عارف جد جد اوكي ني هاو Start beginning of Allah, who's most merciful, Almighty. आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड्स का, सही है? सेल्स ऑफ गुड्स में बिजनेस लॉ का टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड्स, जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा था कि सेल्स में जो है वो दो लोग होते हैं, एक होता है सेलर, दूसरा होता है बायर, सही है? सेलर एंड बायर, तो इनका जो कंसिडरेशन होता है दैट इज अ प्राइस कंसिडरेशन. द मेन कंसिडरेशन इज व्हाट? दैट इज अ प्राइस कंसिडरेशन. पैसे दिया जाता है तो जो, लेकिन इन ट्रांजैक्शन में एक जो है बायर का कंसिडरेशन क्या होता है? कमोडिटी, वो कमोडिटी जो ट्रांसफरेबल हो. सेलर का कंसिडरेशन क्या होता है? पैसा, सही है? प्राइस. वो कहता है कि मैं कमोडिटी देता हूं तो उसके बदले में क्या लेता हूं? प्राइस. सो ही विल ट्रांसफर द कमोडिटी एंड रिटर्न ही विल गेन द प्राइस, राइट? एंड द बायर विल रिसीव द कमोडिटी. ये है प्राइस सेल्स ऑफ गुड्स का जो मेन थीम था. आज का जो हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्या? डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स. अगर जो हमने जिस चीज के ऊपर एग्रीमेंट किया है, जिस गुड्स की, अगर वो खराब हो जाए या चोरी किया जाए या वो खराब हो जाए, तो इस टर्म में क्या होगा? क्या कॉजेस हो सकते हैं? क्या इफेक्ट्स आ सकता है? जी सर, आप डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, डैमेज ऑफ गुड्स विच इज लॉस द वैल्यू. बाजू का ऐसा होता है, लिसन, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी गुड्स के लिहाज से. मिसाल के तौर पर आपने किसी से क्या मांगा? सीमेंट मांगा. क्या मांगा? सीमेंट. रास्ते में क्या हुआ? वो गीला पड़ गया, गीला हुआ, या गीले होने की वजह से वो क्या हुआ? वो जाया हुआ. क्योंकि अगर आपने सीमेंट लेकर आना है, यू हैव टू बी केयरफुल. आपने उसको कंप्लीटली उसको प्रोटेक्ट करना होगा. आपको पता है कि रास्ते में अगर बारिश होगी तो मैं इसकी किस तरह इसको प्रोटेक्ट कर सकूं. अगर आप केयरलेस है, उसकी परवाह नहीं करते, रास्ते में बारिश हुआ, उस बारिश की वजह से उस सीमेंट क्या हुआ? वो सॉलिड बन गया. सो क्या हुआ? पहले जो रेट था सीमेंट का, अभी उसका क्या रेट होगा? उससे वैल्यू क्या हो जाएगा? डीवैल्यू हो जाएगा. मैंने आपसे मांगा क्या? मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर के लिहाज से है, गंदम की मैंने आपके दरमियान सेल ऑफ एग्रीमेंट हुआ किसी भी प्रोडक्शन के ऊपर. मैंने कहा मुझे इतना इस जमीन के ऊपर, इस इतना एकड़ जमीन के ऊपर आपने गंदम उगाना है. कारी ना देखा पेश, इतना क्या क्या उगाना है? गंदम उगाना है. हुआ ये कि बारिश और सैलाबों की वजह से गंदम में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट था मेरा और आपका हुआ था, लेकिन हुआ उसका आधा हिस्सा जो है वो जाया हुआ या एक्सपायर हुआ या खत्म हुआ. तो क्या होगा? जो बाकिया हिस्सा है, द बायर इज लाइबल टू गेन. यहां पे क्या होगा? जो बाकी हिस्सा है वो तो लेगा, जो एक्सपायर हुआ, खत्म हुआ, वो डिसअपियर हो जाएगा. सही है? तो मिसाल के तौर पर आप किसी शहर से क्या मांग, वहां से आप क्या, जो हम कहते हैं चावल, अब वहां से चावल मंगवाते हैं कि चावल लेकर आओ, फलाना इतने मुझे चावल मुझे चाहिए. लेकिन जब चावल बोरियां आते हैं, लेकिन आप जो ही उसे कोल लेते हो, उसमें क्या होता है? उसमें वो चावल नहीं होता जो आप डिमांड किया है. हो सकता है उसने मिक्स किया हो किसी और, किसी थर्ड कैटेगरी ऑफ राइस के साथ, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो कम होगा. तो फिर आप क्या आप उसे लेंगे? नो, यू आर नॉट गोइंग टू बाय दैट. ऐसी वजह से जब कोई डिस्ट्रक्शन गुड्स में आ जाता है या टूट जाता है या कुछ भी खराबी उसमें आ जाता है, तो उसकी क्या इफेक्ट्स आएंगे? उसकी इफेक्ट्स क्या होगा? पहला क्या है? पैरिशिंग बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जब पैरिशिंग का मतलब क्या है? स्पॉइल, खत्म हो जाए या खराब हो जाए कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही. मेरे और आपके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट गुड्स डिलीवर करने से पहले ही वो चीज खराब हुआ, तो क्या होगा? द कॉन्ट्रैक्ट विल बी
invalid. तो यहाँ पे contract जो है वो seller और buyer के दरमियान invalid होगा. मैंने और आपके दरमियान क्या हुआ, आपने कहा मैं आपको ये मोबाइल देता हूँ, सही है, मोबाइल मैंने और आपके दरमियान एग्रीमेंट हुआ किसी भी पैसे पे, 20-30 कितने भी हो गए, चलो एक दिन वो आपके पास था, आपने कल आपने कहा मैं आपको कल डिलीवर करूंगा, कल जो है यो आपसे इस दिन में जब रात के टाइम पे आपके हाथ से गिर गया, उसकी शीशा टूट गया, कल आए आपने क्या कहा ये मोबाइल, तो क्या वो उसी रेट में भी आपसे परचेज करूंगा जिससे पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, या नहीं उसका रेट जो है बदल जाएगा, उसका वैल्यू जो है वो चेंज होगा, कैसा होगा, जाहिर बात है उसका वैल्यू चेंज होगा या नहीं होगा. कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेकिन आपने उस टाइम पे डिलीवर नहीं किया, डिलीवर आपने फ्यूचर एग्रीमेंट के लिए कहा कि मैं आपको आने वाले दिन में डिलीवर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले उसमें कुछ खराबी आई, सो जिसकी वजह से दैट्स द कॉन्ट्रैक्ट विल बी इनवैलिड, इसकी वजह से क्योंकि चीज जो है डिलीवर करने से पहले ही खराब हुआ, सो दैट विल बी इनवैलिड. फिर क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट सेलर और बायर के दरमियान क्या होगा, इनवैलिड होगा. अगर कब होगा, अगर ट्रांसफर करने से पहले ये हो जाए, अगर डिलीवर करने से पहले उसमें एक्सप्लेनेशन आ जाए तो देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी इनवैलिड, फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इनवैलिड होगा. क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव पैरिशिंग बिफोर सेल आफ्टर एग्रीमेंट. पैरिशिंग बिफोर सेल आफ्टर एग्रीमेंट, पैरिशिंग एक्सपायर हो जाए बिफोर सेल एग्रीमेंट, बिफोर सेल एग्रीमेंट पहले ही, जैसा मैंने गंदम की कहा, लेकिन यहां पे क्या है, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हुआ कि आपने जमीन किसी जमीन की किसी भी किसान के साथ आपने एग्रीमेंट किया कि जमीन के ऊपर कि इतना काश करोगे तो ये सारा मैं आपसे लूंगा, लेकिन किसी बारिश की वजह से या कोई किसी वजह से वो जमीन वो जो है वो गंदम की आधा फसल जो है वो खराब हुआ, लेकिन आप लायबल है बींग अ बायर आप लायबल है, जो रिमेनिंग है वो आप खरीद ले, जो रिमेनिंग है ना आप लायबल है, जो इतना खराब हुआ है वो तो खराब हो गया, जो रिमेनिंग है आप उसको तो छोड़ नहीं सकते, या वो आपको छोड़ नहीं सकता, वो डेफिनेटली आपके ऊपर वो सेल आउट करेगा. इज क्लियर नॉट? जो रिमेनिंग है वो तो खत्म, जो बाकी एग्रीमेंट हुआ है ना, एग्रीमेंट में क्या था, जो रिमेनिंग है जो खराब हुआ तो खराब हुआ, लेकिन जो रिमेनिंग है यू हैव टू परचेज दैट, आपने वो बाय करना होगा, सेल ऑफ अगर एक्सपायर हुआ एग्रीमेंट से पहले और बाकी बचा हुआ है तो बाकी जो है वो खरीद लो. क्लियर है? नेक्स्ट यू हैव पैरिशिंग ऑफ फ्यूचर और कंटेंजेंट गुड्स. पैरिशिंग ऑफ फ्यूचर एंड कंटेंजेंट गुड्स पढ़ो. हाँ पैरिशिंग बिफोर ऑफ फ्यूचर, जिस तरह आपने कहा था, किसने कहा था, क्या है इसमें पैरिशिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्टेंजेंट गुड्स, वो गुड्स जो हमें फ्यूचर में हमें एक्सपेक्टेड हो, हमारे पास यही जो है, हम ये सारे चीज़ें जो है वो ज़मींदारी से इसलिए रिलेट करते हैं कि ये चीज़ें जो है ज़मींदारी के साथ रिलेटेड है. बस ऐसा होता है कि हमारे पास मौजूदा हालात में उसकी ऑनरशिप नहीं होता, अगर ज़मीन की जितने भी काश्तकारी है वो हमारे पास में मौजूदा हालात में हमारे पास नहीं होता, हम किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, मतलब खाली हाथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में जाकर उसे डिलीवर कर लेते हैं. लेकिन अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि फ्यूचर में जाके उसे डिलीवर करना होगा, लेकिन फ्यूचर में डिलीवर करने से पहले ही उसमें पैरिशिंग आया या वो एक्सपायर हुआ, तो क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इनवैलिड होगा, लेकिन जितना भी एक्सपायर हुआ है उतना आप खरीदेंगे, जितना एक्सपायर हुआ है वो आप छोड़ेंगे, और जो बाकाया हिस्सा है देन यू विल परचेज दैट. इस कॉन्ट्रैक्ट में फिक्सेशन ऑफ प्राइस, प्राइस की फिक्सेशन, प्राइस की जो सेलर और बायर के दरमियान जो प्राइस की फिक्सेशन होती है, जो प्राइस की जो कॉन्ट्रैक्ट होती है रखा जाता है, क्योंकि जो जिस तरह पहले हमने कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है प्राइस इज द मेन कंसिडरेशन, मेन कंसिडरेशन इसमें क्या है वो है प्राइस. इसका कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, सेल में हमेशा प्राइस इज द मेन कंसिडरेशन, लेकिन फिक्सेशन किस तरह होता है पार्टीज के दरमियान, मेरे और आपके दरमियान, सेलर और बायर के दरमियान क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है,
कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो प्राइस यहां पे क्या है, दोनों पार्टी फ्री है। आप यहां पे क्या है, पार्टीज आर फ्री। वो हो सकता है आप देखो, आप एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप उसे कहते हैं तो यार मैं आपको ये लो एडवांस में इतना लो और बाकी जो है डिलीवर करने के बाद। ऐसे भी हो सकता है कि आप फ्यूचर में डिलीवर कर दे, क्योंकि एतबार जो है ट्रस्ट जो है द मेन सोर्स यहाँ पे, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग में एक चीज है वो है क्या, ट्रस्ट भी है। क्योंकि आप कहते हो कि यार फ्यूचर में डिलीवर करो, जब काम होगा तो मुझे डिलीवर कर देना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। सही, वो ट्रस्ट की बुनियाद पे है। तो प्राइस बोथ पार्टीज आर फ्री। बोथ पार्टी क्या है, फ्री है कि जब वो स्टार्ट में पैसे लेते हैं या स्टार्ट में पैसे देते हैं या लेते हैं, या एंड में पैसे देते हैं या लेते हैं, दोनों के दरमियान सेल में जो है वो दोनों के दरमियान क्या है, दे बोथ आर फ्री कंसर्ट। दूसरा क्या है, एग्रीड मैनर। एग्रीड मैनर क्या है कि बोथ पार्टीज आर एग्रीड ऑन अ स्पेसिफिक डेट। दोनों के दरमियान क्या होता है, एक स्पेसिफिक डेट मुतय्यन हो जाता है कि यार स्पेसिफिक डेट, इस डेट को आप, मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, आप मुझे पैसे दे दें। सही है, जहां पे एग्रीड मैनर में क्या है कि आप में, मैं आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा, आप मुझे पैसे दे दें। सो यहां पे क्या है, एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर जहां पे कहा गया कि 21st को या 1st को या 2nd को या 2nd में 1st मार्च, कोई भी जो तारीख है, इस तारीख में आपको मैं गुड्स डिलीवर करूंगा और आप मेरे क्या कर दें, पैसे ट्रांसफर कर दें मेरे अकाउंट में। जिस तरह लाहौर में अगर आप चले जाते हो ना, वहां पर कुछ परचेज कर लेते हो, सही है, वहां पे क्या कर लेते हो, परचेज कर लिया, ऑर्डर दे देते हो। सही, तो आपको कह देता है कि फलाना तारीख में आपका माल बन जाएगा। वो जो पलची के, जो पलची, आप पलची तो समझते हो ना, जो कपड़े होते हैं वहां पे उसको डाइंग की जाती है, उसकी जो फार्मिंग की जाती है, बनाया जाता है, वो ऑन द स्पॉट आपको नहीं देता, वो फ्यूचर में आपको दिया जाता है, लेकिन आपसे पैसे भी नहीं लेता। अगर आप कुछ डाउन पेमेंट देते हैं, वो अगली बार, वो दूसरी बात है, अगर उसे कुछ डाउन पेमेंट एडवांस में कुछ देते हैं, लेकिन फ्यूचर में, जो फ्यूचर में होता है, आपको टाइम देता है कि अगले हफ्ते मंगल को या पीर को इस टाइम की आपके माल रेडी होगा। जो ही वो डेट आता है, आप उसे कॉल कर लेते हो कि फलाना माल रेडी है, वो क्या कहता है, पैसे ट्रांसफर कर दो मेरे अकाउंट में, माल मैं भेज दूंगा। क्या कहता है, पैसे ट्रांसफर कर दो, माल मैं भेज दूंगा। आप पैसे जो ही उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, उसको नोटिफिकेशन चला जाता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर हो गए। जब हो जाता है तो आप उसकी जो इनवॉइस है ना, जो आप उसको जो चेक है, जो आपसे मिल, जो आप उसे, तो आप उसकी क्या कर लेते हैं, वो रसीद जो आपको मिलता है बैंक से, आप उसकी तस्वीर निकालते हो, उसको व्हाट्सअप कर लेते हो कि मैंने पैसे पे कर दिया। वो कहेगा कि यार आपकी माल में आज डिलीवर कर दूंगा, कल आपको मिल जाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो बाद में पैसे दिया जाता है, क्योंकि टाइम के लिहाज से स्पेसिफिक किया जाता है कि आज नहीं, कल या परसों या तरसों, किसी भी टाइम को स्पेसिफिक किया जाता है फॉर द सेक ऑफ एग्रीमेंट इन द फ्यूचर। इज इट क्लियर, ये वाला? हाँ, हम पढ़ गए, इसे पढ़ लिया, फ्यूचर कॉन्टिंजेंट जो आपके हाथ में नहीं होता। सही, दे आर सिमिलर लाइक दिस, ये सिमिलर एग्रीमेंट ऑफ सेल हो, इसका सिमिलरिटी, इसमें ज्यादा सिमिलरिटी है, वो सिमिलर एक्टिव, सिमिलर इसका फ्यूचर्स है, सिमिलर है यार, ऑलमोस्ट सिमिलर है। नेक्स्ट वी हैव कोर्स ऑफ डीलिंग। कोर्स ऑफ डीलिंग क्या है कि नीदर, बाज ऐसे होता है कि ना बायर उसे कह देता है, एक चीज जो होता है, एक चीज के बारे में हम सबको पता है इसका प्राइस क्या है, मुझे भी पता है, आपको पता है, इसको भी पता है, सब मार्केट को पता है कि इसके प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में। सही है, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से शेयर्स खरीदना चाहते हैं, किसी से उसके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, उसे आप डीलिंग नहीं करते, अपने शेयर्स नीचे करो ऊपर करो एक नहीं करते हो, आप उसे खरीद देते हो कि मुझे दो, लेकिन प्राइस की डिस्कशन उसे नहीं करते हो ना, आप ना वो आपको बता देता है प्राइस के बारे में, ना आप उसे प्राइस के बारे में बताता है, क्योंकि दोनों के दरमियान क्या होता है, दोनों को पता होता है कि आजकल मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, आपके मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। दे बोथ और नो दैट, बोथ पार्टीज आर कंसर्न्ड, दे आर अवेयर ऑफ व्हाट द मार्केट प्राइस इज, मार्केट का प्राइस क्या है, बोथ पार्टी पता। ऐसे भी होता है ना, वो प्राइस के बारे में बता देता है, ना वो प्राइस के बारे में पूछता है। अगर वो होता है सेलिंग होता है, लेकिन क्योंकि मार्केट की प्राइस जो होता है, वो जो शेयर्स की प्राइस जो होता है वो डिक्लेयर हो जाता है, वो पता होता है कि आजकल के मार्केट के शेयर जो प्राइस जो है वो क्या चल रहा है। नो नीड फॉर डिस्कशन, डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अगर आप करेंसी एक्सचेंज कर लेते हो, वहां उसे पूछते नहीं हो को कम करो ज्यादा कर लो, वो कहते हो बस, वो आप जो आप पैसे देते हो वो आपको रिटर्न
करके आपको दे देता है, उसको पता होता है, आपको भी पता है कि यार करेंसी का क्या रेट चल रहा है, उसको भी पता है करेंसी का क्या रेट चल रहा है, इसमें कोई डीलिंग नहीं होती। इज इट क्लियर? तो ऐसे मार्केट में हम प्राइसेस की पूछे नहीं है, जब दोनों पार्टी को पता होगा कि प्राइस का मार्केट का प्राइस क्या है। इज इट क्लियर? जब दोनों को पता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, यहां पर कोई डीलिंग नहीं होती, क्योंकि वही चीज होगा, वही प्राइस वही सेट किया जाएगा जो आजकल के मार्केट में चल रहा है। नेक्स्ट वी हैव रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस क्या है? द मार्केट प्राइस इज कंसिडर्ड एंड बायर इज बाउंड टू पे। रीजनेबल प्राइस क्या है? वही जो मैंने भी अभी कहा, जो एक जो है वो टाइम के लिहाज से है, दूसरा जो है मार्केट के लिहाज से। दोनों ही जो टाइम और मार्केट ऑलमोस्ट दे हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, जो दोनों की है टाइम और मार्केट दोनों की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है। एक मार्केट या टाइम के लिहाज से डेट किस जो मार्केट में जो करंट मार्केट जो सिचुएशन है, जो करंट मार्केट में जो टाइम जो प्राइस जा रहा है वही दैट इज अ रीजनेबल प्राइस, वही रीजनेबल प्राइस है। जो आजकल जो कहते हैं टूल दुनिया पर धीरे टूड़ी, जब मंडी में चले जाओ ना वो बंदा कहेगा यार हर सुख बदी रेट बस हमदा हर टूल दुनिया बदी रेट उड़ी, वो आपको देगा यार लो लांजिनेशन को ले दावाला और टूल बस हमदा यो रेट दे फिक्स टूल नोट दुकान तब उसको का सिमिलर रेट दे। तो दल तब पता लगी यार दिस इज द रीजनेबल प्राइस, एवरी पर्सन इज सेलिंग इन द सेम प्राइस। जब मंडी में चले जाओ ना तो वहां पर आप कुछ खरीदना चले जाओ तो वहां पे एक सारे दुकानों से पूछे तो सिमिलर प्राइस होगा। तो यू हैव अंडरस्टूड दैट हाँ यहाँ पे अभी सिमिलर मतलब रीजनेबल प्राइस चल रहा है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, एक रेट है तो दैट्स अ रीजनेबल प्राइस। वो एक रेट जो है होता है वो रीजनेबल प्राइस होता है। जहां पर आपको लगता है कि एक रेट सब दुकानों का एक रेट है तो यू हैव टू अंडरस्टूड दैट क्या है सिमिलर। आपने कभी डायपर खरीदा है, पैपर खरीदा है बच्चों के लिए, वो पैक्स जो होते हैं सब दुकानों का एक ही रेट होता है? हाँ, जब कर लोगे तो पता चल जाएगा। तो एक ही रेट होता है, जितने भी दुकानदारों से पूछे तो सिमिलर होता है, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है, सब दुकानदारों के सिमिलर होता है, तो आपने एक ही से खरीदना होता है। सही है? तो कहते हैं यार सब दुकानों के एक ही रेट है तो इतना अपने आप को क्यों दुकाऊं, सर को क्यों दुकाऊं, हर बंदे के पास जाओ कहते यार फिर वही कहेंगे यार 10 रुपये मुनाफा है या 15 रुपये मुनाफा है। हर बंदा कहता है 10 और 15 रुपये मुनाफा है, क्योंकि मंडी में हो, मंडी वालों का प्राइस टैग जो होता है वो मिनिमम होता है, वो कम कमाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कम कमाओ ज्यादा सेल करो, अर्न लेस जो उसका आउटपुट जो है वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या है? जिस तरह आपका ब्रोकर्स है, ब्रोकर्स के बारे में बात सुना है, शेयर ब्रोकर्स होते हैं, जो हमने थर्ड पार्टी के बारे में कहा था, जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, जितने भी थर्ड में जो आपकी आप घर किराए के लिए लेते हो या घर खरीदना चले जाते हो, तो यहां पर क्या होता है, एजेंट होता है, प्रॉपर्टी डीलर। जो प्रॉपर्टी डीलर होता है जो आपके दरमियान और बायर और सेलर के दरमियान वो प्राइस सेट कर लेता है, क्योंकि आपके दरमियान प्राइस सेटिंग नहीं होती तो थर्ड पार्टी वाला एंटर होकर आपके दरमियान दोनों के दरमियान प्राइस सेट कर दिया जाता है। तो दैट्स अ थर्ड पार्टी। आपका ब्रोकर्स भी होगा, प्रॉपर्टी एजेंट्स भी होता है आपका, या जो आप कहते हैं डिफरेंट जितने भी एजेंट्स हैं, सेल एजेंट्स भी जितने भी हैं, ये सारे दे आर द थर्ड पार्टी फॉर क्या, फॉर निगोशिएटिंग द प्राइस। क्लियर है? तो आज का ये हमारा जो लेक्चर था सेल्स ऑफ गुड का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड, जो यहाँ पे इसका एंड हुआ, इस चैप्टर का यहाँ पे एंड हुआ। सही है? इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो क्या है, कंडीशन एंड वारंटीज। क्या? कंडीशन एंड वारंटीज। इसका चैप्टर हम कल से स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर है? So that's all for today.